ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो नंबर्स, वेरिएबल्स और सिंबल से मिलके बने, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिया 2x, 2 क्या है, x का कोफिशेंट है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसे कोफिशेंट बोला जाता है, x एक वेरिएबल है, तो 2x एक आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 5y, ये आपके पास 5 कोफिशेंट है, y एक वेरिएबल है, इनके बीच में कोई भी सिंबल लगा देते हैं तो अपने आप में 2x प्लस 5 एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं खाली 2x की बात करूं वो भी एक एक्सप्रेशन है, 5y की बात करें वो भी एक एक्सप्रेशन है, इनके बीच में कोई भी सिंबल लगा दें, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, तो भी ये एक एक्सप्रेशन रहेगा। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, 2y³ प्लस 7x² माइनस वाई। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, y² माइनस 17। 3x³ 2/3 माइनस x² x⁻¹ प्लस 5। ये सभी के सभी एक्सप्रेशंस हैं। इनमें से देखेंगे कि कौन कौन से एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल बन रहे हैं। पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन बनेंगे जिन वेरिएबल्स की पावर आपके पास होल नंबर होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं, एक्स की पावर है 1, वाई की पावर भी है 1, तो ये होल नंबर हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, up to so on। जिन भी एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये फर्स्ट आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा। सेकंड के अंदर देखते हैं, इसके वेरिएबल की पावर दे रखी है, y की पावर है 3, x की पावर है 2, y की पावर है 1। इसी तरह से थर्ड वाले में देखते हैं, y की पावर है 2। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपके पास खाली 17 लिखा है, तो उसके साथ लिखा जा सकता है y की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो वैल्यू बनती है 1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं, x की पावर्स दे रखी हैं 2/3 and 2। इसी तरह से लास्ट एक्सप्रेशन में वैल्यू दे रखी है x की पावर -1, और इसे लिखा जा सकता है x की पावर 0। तो यहाँ से अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to so on, तो वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो हमें सिंपली देखना है कि किस किस की पावर्स आपके पास होल नंबर बन रही है। पहली एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर बन रही है तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, दूसरी भी पॉलिनोमियल है, तीसरी भी पॉलिनोमियल है, जबकि फोर्थ, इसमें एक्स की पावर क्या दे रखी है, 2/3 एक फ्रैक्शन में है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। लास्ट भी आपके पास क्या है, इसकी पावर -1 दे रखी है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके पास पॉलिनोमियल के हैं। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। सभी सभी पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। सिंपली सा हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखी है, अगर उसकी पावर, वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है, तो वो आपके पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगी, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगी। नमस्कार, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम कुछ टर्में डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम डिनोट करेंगे RSTUVWXYZ से, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होंगी उन्हें हम डिनोट करेंगे ABCD से। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मेरे पास दो शब्दों से मिलके बना है, पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। पॉली का मेरे पास मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स, यानी किसी भी एक एक्सप्रेशन में यदि मेरे पास मैनी टर्म्स हो तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स बट द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ वेरिएबल्स इज ए होल नंबर, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होनी चाहिए
उसके बाद उसके अंदर एक या एक से अधिक टर्में हो सकती हैं, और जो मेरे पास वेरिएबल्स होंगे, जो मेरे पास ये वेरिएबल लिए हैं, इन वेरिएबल्स की मेरे पास जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। ये जरूर ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर हमेशा मेरे पास क्या होने चाहिए, ये वाले होल नंबर्स होने चाहिए, तभी हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए, एक मेरे पास कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ए एक्स प्लस बी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म में है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स की पावर देखनी है हमें, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे, 1, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल बन रही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक आपके पास पॉलिनोमियल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स की पावर कितनी है, 2 है, और एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो होल नंबर बन रही है ना एक्स की पावर्स, तो ये क्या बनेगी मेरे पास, एक पॉलिनोमियल बनेगी। इसी तरह से हमने एक और एग्जाम्पल लिखा, ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये भी एक पॉलिनोमियल बनेगी। यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, 3, एक एक्स है, वाई है, और एक जेड है। आपको इनकी पावर्स चेक करनी है, एक्स की पावर देखे कितनी है, होल नंबर है, वाई की पावर भी होल नंबर है, एक्स स्क्वायर 2 है पावर, होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेंगी। जैसे ये है x प्लस 1/x, इसे लिखा जा सकता है x प्लस x रेज टू पावर -1, क्योंकि आपको पता है 1/x को जब x को ऊपर लेके चलेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो इसे लिखा जा सकता है x रेज टू पावर -1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्या है, होल नंबर नहीं है ना, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। सेकंड देखते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, इसे क्या लिखा जा सकता है, एक्स रेज टू पावर 1/2 हो गया ना, ये स्क्वेयर रूट दे रखा है इसके ऊपर, यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और इसकी पावर क्या नहीं बन रही, होल नंबर नहीं बन रही, तो ये भी एक आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये सेकंड टर्म तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली टर्म आप देख ही पा रहे हैं कि ये क्या दे रखा है, वाई रेज टू पावर 1/3, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल की। हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे पी एक्स, पी एक्स डिनोट कर रहा है कि पॉलिनोमियल है, ये एक्स ब्रैकेट में जो एक्स लिखा है इसका मतलब है एक्स वेरिएबल है इसके अंदर। इसी तरह हम क्यू एक्स, आर एक्स ऐसे डिनोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, जस्ट ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिनोट किया जा सकता है कि एक पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल ली है, इसके अंदर अगर बात की जाए टर्म्स, टर्म्स कौन कौन सी होंगी पॉलिनोमियल की, ये वाली एक टर्म बनेगी, ये भी एक टर्म बनेगी, साइन के साथ लिखनी होती है टर्म, ये होगा -4x रेज टू पावर 6, ये x भी एक टर्म बनेगी, मैंने यहाँ पे इसलिए साइन भी मेंशन कर दिया, वैसे आप चाहो तो प्लस साइन को छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। और यहाँ पे एक 9, ये भी एक टर्म बनेगी। अगर मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की बात करूं कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 1, 2, 3 और 4, आपके पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि इनके कोफिशेंट्स क्या होंगे। कोफिशेंट की बात की जाती है तो कोफिशेंट ऑफ x रेज टू पावर 7, x रेज टू पावर 7 का कोफिशेंट यानी उसके साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई में है, 3, तो x रेज टू पावर 7 का जो कोफिशेंट होगा वो कितना बन जाएगा, 3। इसी तरह से x रेज टू पावर 6 का कोफिशेंट क्या बनेगा जो उसके साथ टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, -4, तो x रेज टू पावर 6 का कोफिशेंट होगा -4। यदि बात की जाए कि x रेज टू पावर 5 का कोफिशेंट क्या होगा, यहाँ पे तो आपके पास दे ही नहीं रखा x रेज टू पावर 5, तो उसका कोफिशेंट क्या बनेगा, 0, क्योंकि यदि मैं इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट करके लिखना चाहूं तो हम इसे लिख सकते हैं 0x रेज टू पावर 5 प्लस 0x रेज टू पावर 4 प्लस 0x रेज टू पावर 3, यानी जो भी टर्म में हमारे पास मिसिंग होती हैं उनको क्या करते हैं, हम 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए
तो जीरो ही आएगा ना, तो उससे कोई पॉलिनोमियल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि मैं इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट करके लिखूं, यानी जोन सी टर्म में मिस है वहां पे लिखा जा सकता है जीरो एक्स रेज टू पावर फाइव, तो मेरे पास एक्स रेज टू पावर फाइव का कोफिशियंट क्या होगा, जीरो। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर फोर, एक्स रेज टू पावर थ्री और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट भी क्या बनेगा हमारे पास, जीरो। तो आप यहीं से देख सकते हो जो टर्म में आपके पास मिसिंग है, जैसे यहाँ पे एक्स रेज टू पावर फाइव नहीं है, फोर नहीं है, थ्री नहीं है, टू नहीं है, तो उन सभी के कोफिशियंट क्या बन जाएंगे, जीरो। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या बनेगा, एक्स के साथ देखिए क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा तो वन तो अल्टीमेटली होता ही है मल्टीप्लाई में, तो बनेगा प्लस वन। तो आप चाहो तो प्लस वन लिखिए या खाली वन लिख दीजिए। अगर बात की जाए एक्स रेज टू पावर जीरो, इसका कोफिशियंट क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्योंकि मेरे पास एक्स रेज टू पावर जीरो में नाइन के साथ लिखूं, तो एक्स रेज टू पावर जीरो का क्या मतलब होता है, वन होता है ना, इसका मतलब तो हमें क्या चाहिए कि कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, नाइन, क्योंकि एक्स रेज टू पावर जीरो किसके बराबर होता है, किसी भी हम नंबर की या वेरिएबल की पावर जीरो करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, वन। तो इसे हम लास्ट वाली टर्म को जो ये है मेरे पास, इसे कॉन्स्टेंट टर्म भी बोला जाता है और इसे आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर जीरो क्या बना है यहाँ पे, नाइन। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, आपके पास नंबर ऑफ टर्म, जैसे मैंने एक टर्म ली है 2x, नेक्स्ट ली है एक्स की पावर 4 प्लस 4 और नेक्स्ट ली है एक्स की पावर 3 माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1, तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट के अंदर आपके पास दे रखे हैं ओनली वन टर्म, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म होती है तो उसे बोला जाता है मोनोमियल। सेकंड वाले में आपके पास दे रखे हैं दो टर्में, टर्में कैसे काउंट की जाती हैं, जितने भी आपके पास बीच में प्लस माइनस के निशान होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, तो एक्स की पावर 4 अपने आप में एक टर्म हुई, x अपने आप में सेकंड टर्म हुई, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट के अंदर देखें एक टर्म तो है बेटा x की पावर 3, नेक्स्ट टर्म है माइनस रूट एक्स की पावर 2 और नेक्स्ट टर्म है 5x की पावर 1, तो तीन टर्में हैं, अगर किसी के अंदर तीन टर्में होती हैं तो उसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। अब इसे डिटेल में बात, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी उसके अंदर कितनी टर्म दे रखी हैं। मोनोमियल होता है मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म दे रखी हो तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो, एक ही टर्म है तो ये आपके पास क्या बनेगा, मोनोमियल, पॉलिनोमियल तो होनी होनी चाहिए। फिर 5, 5 में भी कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, 2x, ये भी एक एग्जाम्पल है, 5x क्यूब, यानी आपके पास सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, अगर एक टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसी तरह बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे बोलेंगे, यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास क्या दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 2, ये सभी सभी क्या, नंबर ऑफ टर्म देखनी है हमने कितनी है, एक टर्म ये हो गई आपके पास, एक ये हो गई, दो टर्म है तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये सिर्फ px से डिनोट किया जा रहा है एक पॉलिनोमियल को, x प्लस 1 कितनी टर्म्स है इसमें, 2, इसके अंदर भी कितनी टर्म है, 2, इसके अंदर भी कितनी टर्म है, 2, और इसके अंदर भी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, एक टर्म तो ये हो गई और दूसरी टर्म आपके पास ये रही, तो ये क्या बन जाएगी, बाइनोमियल। इसी तरह अगर ट्राइनोमियल की बात की जाए तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 3, यानी जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे इसके अंदर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी देर के काउंट कीजिए, 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह इसमें भी देख सकते हो 1, देखिए क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, हमें सिर्फ देखना है जो आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे x, y, z, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है x, y और z की पावर तो एक होल नंबर बन रहा है ना,
तो ये भी आपके पास एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, ट्राइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, थ्री। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपके पास इन सभी के सभी में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तीन तीन दे रखी हैं। तो ये सभी के सभी ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात की जाए कि इसे रिमेम्बर कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि मोनोसाइकिल, देखा होगा मोनोसाइकिल में कितने व्हील्स होते हैं, वन, और बाईसाइकिल में कितने होते हैं, टू व्हील्स। इससे ट्राईसाइकिल, जैसे आपने रिक्शा वगैरह देखी है उसके अंदर कितने होते हैं, उसे ट्राईसाइकिल बोला जाता है ना, थ्री व्हील्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मोनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, वन, बाइनोमियल में कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म, टू, और ट्राइनोमियल में कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म, थ्री। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कितनी तरह की पॉलिनोमियल होती हैं। मेनली तीन तरह की पॉलिनोमियल होती हैं। पहली हमने ली 7y, दूसरी ली 2y की पावर 2 प्लस वाई प्लस 1, एंड थर्ड ली x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर सबसे बड़ी पावर देखेंगे 1 बनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड में आपके पास डिग्री दे रखी है 2, तो इसे बोलेंगे सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड के अंदर आपके पास सबसे बड़ी पावर दे रखी है, इनमें सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है। यहाँ पे पावर 3 है, 2 है, 1 है, और इसकी पावर लिखी जा सकती है एक्स की पावर 0। तो सबसे बड़ी पावर बनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बनी है आपके पास 3, तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मेरे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास, या तो जीरो होती है या फिर नॉट डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ए लेता हूं, एक ए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसे लिखा जा सकता है ना ए एक्स रेज टू पावर जीरो, क्योंकि एक्स रेज टू पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो इस वाली पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री कितनी बन जाएगी, जीरो। इसी तरह से देखा जाए रूट टू, रूट टू को लिखा जाता है रूट टू इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। तो हमें देखना एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी बनी है, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर बनी जीरो, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो। अब बात करते हैं जीरो, जीरो भी एक आपके पास पॉलिनोमियल है, बहुत ही स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है। इसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों होती है इसकी डिग्री, क्योंकि जीरो को लिखा जाता है जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर वन, क्योंकि जीरो की भी तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी लिखा जा सकता है और ये भी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई पर्टिकुलर नहीं है ना कि मैं इसके साथ क्या लिखूं, कुछ भी लिखूं तो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन, और ये क्या होती है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होती है। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगी, जिनकी डिग्री आपके पास दे रखी हो वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन, यहाँ पे वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। तो इस तरह की पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री टू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे होंगे कि इनकी आपके पास डिग्री कितनी बनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी गई है, टू। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक से आपके पास होता है डिग्री थ्री। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास थ्री बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है मेरे पास फोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी है, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी गई हुई है, फोर, तो इसे क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ए बी सी डी ई क्या है, सभी सभी रियल्स कॉन्स्टेंट हैं। वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल, यहां से अगर बात की जाए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है विद जीरो वेरिएबल की। जीरो वेरिएबल का मतलब क्या होगा आपके पास, कि पॉलिनोमियल के अंदर
कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आ पॉलिनोमियल हैज नो वेरिएबल, यानी उसके अंदर जो हमने एक्स वाई जेड की बात की थी वो नहीं हो, कोई भी ना हो, इट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल। ये कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी मेरे पास, जैसे मैंने 15 लिख दिया, 0 लिख दिया, वो भी क्या होगी, जीरो वेरिएबल होगा, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म लिख दी तो वो क्या होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, जीरो। अगर बात की जाए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ऐसी ऐसी पॉलिनोमियल जिनके अंदर मेरे पास क्या हो, वन वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर कितने वेरिएबल, एक्स, एक्स को हमने वेरिएबल से डिनोट किया था ना, तो इसके अंदर वेरिएबल कितने, सिर्फ एक्स एक है। इसमें भी कितने वेरिएबल है, एक्स एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल दे रखा है एक्स, इसमें भी एक ही वेरिएबल है एक्स। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, यानी पॉलिनोमियल है आपके पास कितने वेरिएबल्स के साथ, वन वेरिएबल्स के साथ। इसी तरह बात की जाए पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक्स और वाई टू वेरिएबल हो गए ना। इस सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए एक्स और जेड टू वेरिएबल हो गए आपके पास, तो ये क्या होगी, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल, यानी जिस भी पॉलिनोमियल के पास आपके पास कितने वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। जैसे इसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल हैं, वन वाई टू हुआ और जेड थ्री हुआ, तीन वेरिएबल्स हैं, तो दिस इज नोन एज द पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। और इसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल हैं, वन टू थ्री, थ्री वेरिएबल्स हैं इसके अंदर भी। तो ये क्या है, सभी सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जीरो वेरिएबल का मतलब है कोई भी वेरिएबल नहीं होना, वन वेरिएबल सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, चाहे उसके अंदर एक्स हो वाई हो, सिर्फ एक ही होना चाहिए। टू वेरिएबल में दो हो सकते हैं, एक्स है वाई है। तीन वेरिएबल में आपके पास तीन वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर, जैसे यहाँ पे यू वी डब्ल्यू दे रखा है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हाइएस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। यानी आपके पास क्या दे रखा है, अगर कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या है, एक्स, एक्स की हाइएस्ट पावर देखते हैं, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, वन, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, सिक्स, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, सेवन। इनमें से जो सबसे बड़ी है, यानी जो सबसे हाइएस्ट पावर है, कितनी है वो, सेवन। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, सेवन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर देखिए इसकी डिग्री फाइंड आउट कीजिए, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, टू है या सिक्स, यस वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, सिक्स। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, सिक्स। यानी डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल दे रखा है आपके पास उसमें जो भी हाईएस्ट पावर हो, पहले तो एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल के बाद देखोगे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे सेवन है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, सेवन, यहाँ पे सिक्स है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, सिक्स।